हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुभा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एकदम स्ट्रीट स्टाइल में बनने वाले मसालेदार ब्रेड पकौड़े की रेसिपी, जिसका हमने मसाला भी बहुत टेस्टी बनाया है। और इसके साथ ही इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप ब्रेड पकौड़े को कैसे बनाएंगे, जिससे कि फ्राई करते टाइम पे ये ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और कम ऑयल में बनकर रेडी होंगे। सो आइए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी से ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1/2 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1/2 टेबल स्पून सौंफ, तो ये सौंफ को मैंने हल्का सा कूट लिया है, 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया जिसे मैंने कूट कर लिया है, 2 बारीक कटे हुए हरे मिर्च, तो हरे मिर्च आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर देने के लिए, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर सूखा हुआ धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अमचूर पाउडर, इसे टैंगी सा फ्लेवर देने के लिए, और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है काला नमक। तो काला नमक डालना ना भूले, ये बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी मसाले में और खासकर जो हम चटपटी चीजें बनाते हैं उनमें ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है आलू, तो मैंने यहाँ पर 4 आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया था और उन्हें मैश कर लिया है, तो ये 4 मीडियम साइज के आलू थे, तो आपको जितनी नीड हो आप उस हिसाब से आलू रख सकते हैं। और लिए हैं थोड़े से मटर, क्योंकि हम विंटर स्पेशल ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं इसलिए हमने थोड़े से हरे मटर लिए हैं। सो आइए चलते हैं गैस की तरफ और मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो हमने पैन में 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरे, सौंफ, धनिया। स्टार्टिंग में हमें बस ये 3 चीजें डालनी है, इसके अलावा हम अपने सूखे मसाले नहीं डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है एकदम, मसाले को हम एकदम लो फ्लेम पर भूनेंगे। अगर हमारा फ्लेम ज्यादा होगा तो मसाले हमारे जल जाएंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हरा मटर, तो हरे मटर को ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे जिससे कि ये हल्के से नरम पड़ जाए। मटर के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे मैश किए हुए। आलू डालने के बाद जो हमारे सूखे हुए मसाले हैं हम वो डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला देना है। तो मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम मसाले को भूनेंगे। और मसाले को भूनने में हमें लगभग 5 मिनट का टाइम लगेगा और इसे इस तरीके से बार बार पलटाते जाएं जिससे कि मसाला बहुत अच्छे से भून जाए और जो आलू का कच्चापन है वो चला जाए। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा होगा हम आगे की तैयारी करेंगे। तो अब हम ब्रेड पकौड़े के लिए बैटर प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, इसमें हम 1 बोल भर के बेसन डाल देंगे। तो आप जितने लोगों के लिए ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं उस हिसाब से आप बेसन यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालेंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने अपना जो मिक्सचर बनाया है उसमें भी नमक ऐड किया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हम बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे क्योंकि बेकिंग सोडा से ऑयल ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और बेकिंग पाउडर से इतना नहीं होता। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक बैटर प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे एक विस्कर की हेल्प से या आप स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से क्लॉकवाइज फेंट लें। तो ये देखिए बैटर हमारा प्रिपेयर है और ये बहुत ही ज्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का नहीं है, आपको भी ऐसा ही रखना है, इतनी ही ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है आपको बैटर की। और बैटर को अब हम एक किनारे रख देंगे और मसाला भी हमारा ठंडा हो चुका है, मसाले को हम ब्रेड में लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 8 से 10 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। मसाले को हम लेंगे एक स्पून की हेल्प से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे, चारों तरफ हमें मसाले को अच्छे से लगा देना है। मसाले को लगाने के बाद हम ब्रेड को बंद कर देंगे दूसरे ब्रेड से और इसे एक प्लेट में रख के बीच से कट कर देंगे। तो आप इसके 4 टुकड़े भी कर सकते हैं और 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। सो हमें इस तरीके से ब्रेड को
कट कर लेना है, और ऐसे ही हम सारे ब्रेड को स्टफ कर लेंगे और फिर कट कर लेंगे। सारे ब्रेड में हमने मसाला भर लिया है और अब हम चलेंगे गैस की तरफ और इन्हें सेकेंगे। सो मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल आप ज्यादा लें जिससे कि आपके जो पकौड़े वो अच्छे से डिप हो सके। और ये रहा हमारा बैटर, बैटर में हम ब्रेड को अच्छे से डिप करेंगे। इसके ऊपर से हम डाल देंगे अच्छे से बेसन और दोनों तरफ से पलट देंगे, लगा देंगे अच्छे से बेसन को, और इसके बाद हम इसे ऑयल में डाल देंगे। ऐसे ही हम दूसरा डाल देंगे और एक एक करके इन्हें सेकेंगे। गैस का फ्लेम हम फुल रखेंगे, ब्रेड पकोड़े को हम फुल टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे अच्छे से। इसके ऊपर हम जरा सा ऑयल डाल देंगे और इन्हें हम 1 मिनट तक लगभग नीचे से एक तरफ से सिकने देंगे, इसके बाद ही पलटेंगे। इसे हमें 4 से 5 बार अच्छे से पलटना है। तो ये देखिए ब्रेड पकोड़े हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे जिससे कि इसका जो ऑयल है वो निकल जाए। तो ये देखिए एक ब्रेड पकोड़े को हमने कट किया है और ये कितना अच्छा अंदर से पक चुका है, एकदम कलरफुल बना है। हमारे ब्रेड पकोड़े बनकर एकदम तैयार है। मैं इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे किसी भी ग्रीन चटनी या मीठी वाली रेड चटनी या चाय के साथ सर्व कीजिए अदरक वाली। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।